दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय लॉरिएट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कथोक ज्वालाजी। नगरोटा सूर्या के एक निजी संस्था के स्कूल के नए भवन निर्माण पर एक ठेकेदार द्वारा सरकारी सीमेंट के प्रयोग का मामला प्रकाश में आया है। धर्मशाला का सतर्कता विभाग जांच में जुट गया है। ब्लॉक समिति नगरोटा सूर्या के पूर्व उपाध्यक्ष बलबीर पठानिया, जो कि इस स्कूल की कमेटी के 2 साल तक अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि सुगनाड़ा गांव में स्थित डीएवी स्कूल में 1-5 कमरों का भवन निर्माण किया जा रहा है। भवन के निर्माण में सरकारी सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। सतर्कता विभाग द्वारा सरकारी सीमेंट की 174 बोरी और 22 बोरियां खाली मौके पर पकड़ी हैं और जांच शुरू कर दी है। सिविल सप्लाई के इंस्पेक्टर मोहिंदर ने बताया कि निजी संस्था को सरकारी सीमेंट सप्लाई नहीं हो सकता। उधर सतर्कता विभाग धर्मशाला के ACP बलबीर जसवाल से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जांच जारी है और सिविल सप्लाई नगरोटा सूर्या से जांच टीम ने संबंधित दस्तावेज सील कर लिए हैं। माननीय बलबीर पठानिया जी, स्थानीय निवासी जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि प्रिंसिपल की मिली भगत से यहाँ पे काम हो रहा है, तो वो सरासर ही झूठ है और उनका कोई भी तथ्य नहीं है, क्योंकि हमने ये जो अवार्ड है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो अवार्ड किया है अशोक कुमार जी को और उन्हीं की देखरेख के अंडर काम जो हो रहा है। हम टाइम टू टाइम जो है वो हमारे आर्किटेक्ट और जो हमारी बिल्डिंग सब कमेटी है वो आकर के बिल्डिंग को देखती है, चेक करती है। और अभी पीछे ही अभी 3 तारीख को ही हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें हमारे माननीय चेयरमैन और बाकी के जो सदस्य थे वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने पूरा बिल्डिंग का निरीक्षण किया था। मेरे को इस बात को सुनकर के बहुत ही दुख हो रहा है कि एक स्थानीय निवासी होने के नाते और स्कूल के एक्स वाइस चेयरमैन होकर के भी वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। क्या उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है या क्या बात है, इस चीज के बारे में मेरे को नहीं पता। धन्यवाद। चला कि डीएवी स्कूल में जो इमारत बन रही है उसमें नियमितता बरत रही है और जो सीमेंट है वो सरकारी सीमेंट लगाया जा रहा है। जब ये प्राइवेट संस्था है तो सरकारी सीमेंट कैसे लगाया जा रहा है और बच्चों के विषय के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जो बिल्डिंग अभी तक बनी है जिसकी नींव रखी गई है, जो पहले की भी बनाई गई है, उसकी बार एक बार से पढ़ने के पश्चात ही वो सारी धस गई है नीचे और उसकी गिट्टियां वगैरह जो मटेरियल था वो बिल्कुल घटिया प्रकार का लगा हुआ है। और मेरे को अफसोस है कि इतनी बड़ी संस्था दिल्ली तक ये संस्था पहले हो जाए और हमारे गरीब बच्चों का यहाँ के पंचायत, ये हमारी पंचायत है, इसमें ये स्कूल है और यहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनका बिल्डिंग फंड काट के इस भवन को लगाया जा रहा है और ये भवन की इतनी बुरी हालत है कि बच्चों के बैठने योग्य नहीं बनेगा ये, क्योंकि सारी जमीन आज धंसी हुई है जिसकी मेरे पास फोटो भी मैंने खींची है। सरकारी सीमेंट का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर धांधलियाँ की जा रही है, सीमेंट जो है बिल्कुल जो निम्नताएँ बरती जा रही है बिल्डिंग में पूरी धस गई है और पूरी जो एक ही बारिश पड़ी है जो सीमेंट लगाया था वो सारा बह गया बारिश के कारण। तो मेरी दिल्ली हाईकमान जो इनकी कमेटी और स्तरीय कमेटी उनसे भी निवेदन है और जो भी जिला स्तरीय है उनसे भी निवेदन है कि डीएवी में एक कंपाउंड के अंदर काम हो रहा है और प्रधानाचार्य दिल्ली देखती हैं तो ऐसे काम करा रही है। इससे तो ये साबित होता है कि जो प्रधानाचार्य यहाँ से ये भी मिली भगत है, क्योंकि स्कूल के कंपाउंड के अंदर काम हो रहा है। अगर बाहर होता 200-300 मीटर दूर होता तो चलो कोई बात नहीं थी। तो मेरी LMC कमेटी से संस्था से, ये इतनी ईमानदार संस्था है और वर्षों से चली हुई है, तो मैं भी इसका एक भागीदार रहा हूँ। मैं 92-93 में 3-4 साल में इसका अध्यक्ष रहा हूँ। तो हमने बड़े इसको बड़े अच्छे ढंग से संजोया था पर हमें नहीं पता कि ऐसे लोग आएंगे जो इसको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे और ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बनाएंगे जो बच्चों को बैठने के योग्य नहीं होंगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नगरोटा सूर्या से राम स्वरूप शर्मा की रिपोर्ट। लॉरिएट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, नेम इज इनफ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हे देयर, If you, my friend, is going to choose Laureate Institute of Pharmacy, you have an impeccable taste in the menu, which you are being provided global rate facilities with numerous sophisticated tech-savvy equipments to speed up the research work on a small scale. Admissions open for Diploma, Bachelor's, Master's degree in Pharmacy, PhD and B Pharmacy Practice. The institution is affiliated to Himachal Pradesh Technical University PCI and AICTE, also having MOU with international institutions. For further information, please contact 98056-76721 or 94184-65312 or 70189-33755.